इजी एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन. कथा टू स्पीयर है, एक बड़ा एक छोटा है, आर सिचुएटेड इन एयर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एफ है. चलो दो स्पीयर है हम लोग के पास, एक स्पीयर ए है और एक स्पीयर ए है, इनके बीच अट्रैक्शन होता है. अगर मास है तो अट्रैक्शन होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इन दोनों में अट्रैक्शन एफ हो रहा है. अब कहता है स्पेस बिटवीन देम फिल्ड विद लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी थ्री. इनके बीच का स्पेस एक लिक्विड से फिल कर दो यार, फिल द लिक्विड स्पेस बिटवीन दी. क्या एफ बदल जाएगा? अगर बदल जाएगा तो कितना होगा? दो मास थे, एक दूसरे को एफ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे थे. अब वो उस अट्रैक्शन को डिस्टर्ब करने के लिए मैंने इनके बीच एक लिक्विड फिल कर दिया, तो क्या अप फोर्स कितना होगा वो हमें निकालना. तो आपको पता होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो होता है वो कि यूनिवर्सल जो है यूनिवर्सल लॉ बोला जाता है. जब तक इनके मास नहीं चेंज होते हैं और डिस्टेंस नहीं चेंज होगा तब तक वो फोर्स नहीं बदलता है, मीडियम पे इनडिपेंडेंट होता है. बाहर इनको वैक्यूम में रख दो, पानी में डुबा दो, किसी दूसरे प्लेनेट पे लेके चले जाओ, जब तक तुम इनके मास नहीं बदलोगे, सेपरेशन नहीं बदलोगे, तब तक इनके बीच का अट्रैक्शन नहीं बदलेगा यार. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसका जो फाइनल सॉल्यूशन है दैट इज बी ऑप्शन सही है. द फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम. ठीक है, तो अभी भी है ना. एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट ए इज 9 टाइम्स दैट इज प्लेनेट ऑन बी. दो प्लेनेट है हम लोगों के पास. चलो लेट अस सपोज कि दो प्लेनेट है, एक प्लेनेट को मैं ए बोलता हूँ और दूसरे प्लेनेट को मैं बी बोलता हूँ. ठीक है, द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट ए, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लेनेट ए इज 9 टाइम्स एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9 टाइम्स एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द प्लेनेट बी इस पे. ठीक है, अगर इस पे जी है तो इस पे 9g आ जाएगा, इस पे जी भी मान लो. चलो यहाँ तक तो ठीक है. कहता है मैन जंप पे हाइट 2 मीटर ऑन सरफेस ऑफ प्लेनेट ए. अब एक आदमी इस प्लेनेट पे कूदेगा, जंप करेगा. ठीक है, तो जंप करता है तो कितने हाइट तक जंप करता है? बोलो 2 मीटर तक जंप करता है. अगर मैं ऊपर कूदता हूँ, देखो अगर मैं ऊपर कूदूँ तो मैं कुछ हाइट तक जाऊँगा, फाइनली मान लो यहाँ तक गए और फिर नीचे आ जाऊँगा. ऐसा थोड़ी है कि मैं ऐसे जंप कर गया कि दूसरे प्लेनेट पे चला गया, ऐसा नहीं है ना. अगर ये जंप करेगा ऊपर तो ये नीचे भी आएगा यार, ऐसा थोड़ी है कि जंप करेगा हवा में रह जाएगा, ऐसा नहीं होता ना. तो जब ये नीचे आएगा तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, जब जो जिस वेलोसिटी से हिट करेगा, यूँ समझ लो कि जिस वेलोसिटी से हिट करेगा वो जो, या ऐसे समझ लो कि इस आदमी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो अब अगर ये आदमी दूसरे प्लेनेट पे चला जाता है, इमेजिन कर लो कि ये आदमी दूसरे प्लेनेट पे चला गया, तो ये इस आदमी की जो कूदने की जो एनर्जी है, जितनी एनर्जी से यहाँ कूद रहा था उतनी एनर्जी से यहाँ कूदेगा, क्योंकि एनर्जी कंजर्व रहेगी यार. ठीक है, बस ये कि ग्रेविटी बदल गई यार. तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, मान लो यहाँ एच डैश कूदता है, ठीक है, जंप करता है एच यहाँ पे और यहाँ पे टू किया, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वही पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे भी रहेगी. ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्लेनेट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द प्लेनेट इज इक्वल टू बी उस आदमी का. ठीक है, क्योंकि आदमी सेम है. अगर दूसरा आदमी आ जाए, बहुत दुबला पतला जाए आ जाए, ठीक है, वो 2 मीटर नहीं कूदेगा, वो कुछ और कूदेगा और यहाँ भी कुछ और कूदेगा, बट आदमी वही है यार. उसके पास जितनी एनर्जी थी कूदने की वो इतनी एनर्जी है. तो ये व्हाट इज द हाइट जंप ऑन द सेम, इस पे हाइट निकालना है. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एम जी एच. तो एम जी एच ऑन प्लेनेट ए मस्ट बी इक्वल टू एम जी एच ऑन प्लेनेट बी. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मास ने मास को आदमी वही है और जी 9 9 9 जी और हाइट 2 मीटर और ये जी और हाइट ऑन द प्लेनेट बी. इसका मतलब जी ने जी को खत्म कर दिया तो वो प्लेनेट बी पे 18 मीटर तक कूदेगा. ठीक है, क्योंकि प्लेनेट बी पे ग्रेविटी कम है, तो ग्रेविटी कम है क्योंकि इसलिए उसकी जो हाइट है वो ज़्यादा होगी यार. अगर आदमी 2 मीटर यहाँ कूदता है तो प्लेनेट बी पे कम ग्रेविटी होने की वजह से वो 18 मीटर ऊपर कूदेगा. ठीक है, अगर ग्रेविटी 0 कर दोगे तो यहाँ से कूदेगा इन्फिनिटी को चला जाएगा, वापस ही नहीं आएगा. ठीक है.